हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। जो फिफ्थ सेक्टर का एग्ज़ाम कॉन्डक्ट किया गया था, इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का लेवल था। मतलब ईजी क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इसका लेवल था। मतलब हर सेंस में कितना क्वेश्चन जो है पूछे गए थे उसके बारे में जानेंगे। इसमें अगर 75 से ज़्यादा अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आपके गुड अटैम्प्ट मांगने जाएंगे। अगर 120 में से अगर 75 से ज़्यादा आपने अटैम्प्ट किया है वो भी सही, एंड कुछ गलत होगा तो सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ गुड अटैम्प्ट आपके लिए रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट आया है यूपीएससी की तरफ से। तो अब एग्ज़ाम का क्या कुछ मार्क्स रहता है उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे क्या कुछ मार्क्स रहता है। 300 मार्क्स रहते हैं एंड ऑन थर्ड नेगेटिव मार्किंग रहता है। 0.2.5 मार्क्स आपका राइट पे रहता है। डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे जनरल इंग्लिश, इंडियन जे फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स, डेवलपमेंट इशू, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अकाउंटेंस प्रिंसिपल और भी कैसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट। यहाँ पे 75 से 85 कोर्सेज आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है फर्स्ट राउंड पर, ठीक है। किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल इंग्लिश पे 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे 13 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट डिफेंस एंड डेवलपमेंट इशूज पे 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 5 से 7 पूछे गए थे, जनरल अकाउंटेंस प्रिंसिपल 8 से 10 पूछे गए थे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉ पे 3 से 5 पूछे गए थे, जनरल साइंस पे 14 से 5 पूछे गए थे, जनरल कंप्यूटर एप्लीकेशन में 8 से 10 पूछे गए थे, जनरल मेंटल एबिलिटी पे क्वांटिटी में 13 से 15 पूछे गए थे, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पे 3 से 5 पूछे गए थे। टोटल 120 क्वेश्चन थे, 300 मार्क्स रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे 10 से 12 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था, इंग्लिश में रहा था ऑन थर्ड नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है। और 20 मिनट अलग दिए जाते हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे पहले आपको आना होता है, मतलब जब भी एग्जाम होता है ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रहता है। तो एक वीडियो में छोटा सा अपडेट देना था आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं बता दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और मॉक टेस्ट वगैरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टेस्टबुक ऐप के थ्रू आप सभी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो काफ़ी सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग फॉर दिस। थैंक यू।